गाइज आप लोग देख सकते हो मूवी को बॉक्स ऑफिस सिनेमा हॉल में वर्ल्ड वाइड में रिलीज हुए पूरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मान लो पठान मूवी को बॉक्स ऑफिस इंडिया सर में रिलीज हुए 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइज देखो सिनेमा हॉल में अभी भी गाइज कितना ज़्यादा भीड़ है, अभी भी लोग लाइंस में लग के टिकट परचेस कर रहे हैं। गाइज पठान मूवी अनस्टॉपेबल रहने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पठान मूवी का बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन पूरे 3 महीने तक रुकने वाला नहीं। गाइज पठान मूवी को OTT वर्जन में प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया है और गाइज पठान मूवी ने प्राइम वीडियो पर भी मौसम बिगाड़ के रख दिया है। और पठान मूवी आज भी बाहर की कंट्री में पूरे 100 सिनेमा में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन कर रही हूँ। इंडिया में 400 सिनेमा में अभी पठान मूवी बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा कलेक्शन करती हमको नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हो सिनेमा हॉल में अभी भी काफ़ी सारे लोग टिकट परचेस करके भर भर के मूवी देखने जा रहे हैं। गाइज अब ये मूवी पठान मूवी आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। अमेजोन वीडियो पर आप पठान मूवी को ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन गाइज पठान मूवी को लोग ऑनलाइन नहीं देख रहे, पठान मूवी को लोग थिएटर में जाके देख रहे हैं। गाइज पठान मूवी अमेजोन वीडियो में 39 कंट्री में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही है। अगर बात करें पठान मूवी के 60 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो गाइस पठान अनस्टॉपेबल है। आज पठान मूवी का 60 दिन का फाइनल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ चुका है और पठान मूवी को 61 डेज स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करें अगर आप शाहरुख खान को दिल से प्यार करते हो भैया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस जैसे कि आपको पता कल से हमको बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखने को मिली थी, पठान मूवी ने केवल 58 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड में 1049 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, जिसमें 542 करोड़ इंडिया का कलेक्शन किया। बात करें 392 करोड़ बाहर की कंट्री से कलेक्शन किया था। और अगला पठान की कमाई को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हो, अब तक पठान 128 मिलियन यूएस डॉलर कमा के 2023 में जो टॉप 10 मूवीज रिलीज हुई थी पूरी दुनिया में उनमें नंबर 9th पे आ चुकी है। पठान मूवी को बॉक्स ऑफिस में 9वां वीक स्टार्ट हो चुका है। पठान मूवी ने 8वें वीक के अंदर पूरे इंडिया से 1,70,00,000 का कलेक्शन किया है और 7वें वीक के अंदर 2,97,00,000 का कलेक्शन किया है। गाइस अगर बात करें पठान मूवी ने बाहर की कंट्री से 8वें वीक के अंदर 0.15 मिलियन यूएस डॉलर कमा के 8वें वीक के अंदर काफी बड़ा हमको मैसिव जंप देखने को मिला है। गाइस अगर आप लोगों को पठान की कमाई को बाहर की कंट्री 47 मिलियन यूएस डॉलर कमा चुकी है केवल 8 वीक्स के अंदर पठान बाहर की कंट्री से, अगर आप लोग 47 मिलियन यूएस डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो, अब तक पठान बाहर की कंट्री से 392 करोड़ का हिस्टोरिकल कलेक्शन कर चुकी है। और गाइस अभी पठान को चाइना और बांग्लादेश में रिलीज करना बाकी है। गाइस अगर बात करें पठान वर्सेस बाहुबली 2 के बजट के बारे में तो गाइस इन दोनों मूवी का बजट सेम था, 250 करोड़ दोनों मूवीज का बजट था, लेकिन पठान मूवी ने लाइफ टाइम में यहाँ पे 550 करोड़ का इंडिया से कलेक्शन करने में सफल रहेगी। लेकिन गाइस बाहुबली 2 ने लाइफ टाइम इंडिया से 1,030 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाहुबली 2 ने हिंदी वर्ल्ड में 511 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि पठान मूवी ने हिंदी वर्ल्ड में 525 करोड़ का कलेक्शन किया। पठान मूवी ने बाहुबली 2 के हिंदी वर्ल्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन तेमितों को मलयालम के रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रही है। गाइस अगर बात करें 30 मार्च को बॉक्स ऑफिस इंडिया में रिलीज होने जा रही है भोला मूवी, दूसरी साइड में दशहरा मूवी रिलीज होने जा रही है। दोनों मूवीज को 30 मार्च को एक ही बड़े पर्दे पर रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आप बात करें आप लोगों की फेवरेट मूवी कौन है, भोला या डेसरा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। गाइज अगर बात करें पठान मूवी के नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो गाइज जो पठान बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री में रिकॉर्ड कैम कर दिए हैं, शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान इन बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। गाइज अभी पठान को चाइना और बांग्लादेश में रिलीज करना बाकी है। गाइज पठान मूवी ने चाइना और बांग्लादेश से काफी बढ़िया कलेक्शन करना था, लेकिन गाइज कोई दिक्कत होगी, लेकिन पठान को अभी चाइना और बांग्लादेश में रिलीज नहीं किया गया। गाइज बहुत ही जल्द पठान चाइना में रिलीज होने जा रही है। अब तक इंडिया में 5 ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने 1,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। नंबर 1 पे अमर खान सुपरस्टार की मूवी दंगल आती है, जिसका बजट केवल 70 करोड़ था। दंगल मूवी ने लाइफ टाइम में 2100 करोड़ का कलेक्शन करके साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका के रख दिया था। नंबर 2 पे बाहुबली 2 आती है, जिसका बजट 250 करोड़ था। बाहुबली 2 ने लाइफ टाइम में 1811 करोड़ का कलेक्शन करके बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ इंडस्ट्री को एकदम फिर से धचका दिया था। नंबर 3 पे KGF चैप्टर 2 आती है, जिसका बजट केवल 100 करोड़ था। गाइस यश भाई के रॉकी भाई के बहुत ज़्यादा लोग फैंस हैं, इस मूवी ने 1250 करोड़ का कलेक्शन किया है। RRR मूवी है, जिसका बजट 600 करोड़ था, इस मूवी ने 1233 करोड़ का कलेक्शन किया है। और नंबर 5 पे पठान मूवी आती है, जो अभी भी सिनेमा हॉल में ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग से कमाई कर रही है और इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। गाइस आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ पठान मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहने वाला है, 1200 करोड़ या 1100 करोड़ का? पठान मूवी KGF चैप्टर 2 RRR मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं? आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।